हेलो स्टूडेंट, आवर टुडेज टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर सेवन्थ की। क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर जो सेवन्थ है, ठीक है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे बोलते हैं धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखो, इस चीज पर चर्चा करने से पहले अपन कुछ बातें समझते हैं कि धारा के चुंबकीय प्रभाव है क्या। पहले तो धारा क्या है, तो थोड़ी चर्चा धारा की करते हैं। तो अपन ने पांचवें चैप्टर में पढ़ा था धारा क्या होती है, कि आवेशों के प्रवाह की दर, कि जो आवेश होते हैं और वो प्रवाहित करने लग जाते हैं, मतलब आवेशों की कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। और क्यों होती है, क्योंकि आवेशों पर अपन क्या लगाते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, कुछ ना कुछ बैटरी सोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से आवेश गति करने लगते, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करने लग जाते हैं। और करंट क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज करंट। तो करंट की जब बात करें, ये होती है आवेश प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब कि करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे शो होगा, उसी पर अपना ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। अभी तक अपन ने जो भी डिस्कस किया है, एक से लेके पांच चैप्टर तक या छह चैप्टर तक डिस्कस कराया है, तो अपन ने जो एक चार्ज लिया था, थोड़ा इसको समझना, जब एक चार्ज लिया था उसको अपन ने क्या रखा था, स्टेशनरी रखा था। उसको क्या रखा था, स्टेशनरी, मतलब स्थिर रखा था। और जब चार्ज स्थिर होता है, जब चार्ज स्टेशनरी होता है, तो अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करता है। और जो किस टाइप का फील्ड होता है, ई कौन सा फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कौन सा फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, थोड़ा इसको भी रिवाइज करते हैं, कि एरिया प्रोड्यूस बाई ए चार्ज, इफ वी ब्रिंग ए अनादर चार्ज इन दिस एरिया, इट फील अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स ड्यू टू इट, और दैट एरिया ऑफ द चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो कि होता था KQ/R², और यूनिट होते थे न्यूटन पर कूलम। रिवाइज कर रहे हैं सिंपली, जो पहले जो चीज पढ़ रखी थी बस उसी को। तो भाई जब चार्ज स्टेशनरी होगा, जब चार्ज स्थिर रहेगा, तो वो अपने चारों ओर कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में बोले तो विद्युत क्षेत्र। तो कोई भी स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो हुआ क्या, इस चार्ज को मूव कराया। अब चार्ज को मूव कराएंगे, चार्ज को गति दे देंगे, चार्ज को फ्लो करा देंगे, और जैसे ही चार्ज फ्लो होगा वो क्या बना लेगा, करंट बना लेगा। समझना, जैसे ही इस चार्ज को फ्लो करा देंगे वो क्या बना लेगा, करंट बना लेगा। और करंट बना लेगा तो हो सकता है, देखो अभी तक कोई फिक्स नहीं है, हुआ क्या होगा कि चार्ज को फ्लो करा दिया। अब ये इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, मतलब ये मूविंग चार्ज है, जबकि इसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, ये स्टेशनरी चार्ज था। तो ये कौन सा चार्ज हो गया, ये मूविंग चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज है, ये मूविंग चार्ज, जिसको हिंदी में बोले तो बोलते हैं गतिशील आवेश। तो ये जो मूविंग चार्ज होगा, ये मूव करेगा, और मूव करेगा तो अपन ने क्या देखा कि इसके कारण चारों ओर एक फील्ड लगा, और वो फील्ड एक मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो किसी मैग्नेट को तो अट्रैक्ट नहीं करता ना भाई, वो क्या करता, किसी चार्ज को अट्रैक्ट करता। लेकिन वहां अपन ने नोट करा कि भाई वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो है,
इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन साथ पे साथ एक ऐसा फील्ड भी है जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट और रिपेल करता है। इसलिए इस फील्ड का नाम क्या दिया गया? मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस हुआ? मूविंग चार्ज के कारण। तो जब भी तुम्हें पूछे कि स्टेशनरी चार्ज किस टाइप का फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब तुम्हें पूछे मूविंग चार्ज किस टाइप का फील्ड जनरेट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फील्ड वो जनरेट करता है। आगे अपन इस पर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब थोड़ी एक कहानी पर आते हैं। एक साइंटिस्ट थे ओरस्टेड भाई साहब। तो ओरस्टेड भाई साहब की बात आती है तो ओरस्टेड भाई साहब क्या बोलते हैं, कहानी है ओरस्टेड भाई साहब। तो ओरस्टेड भाई साहब की कहानी, ठीक है। तो ओरस्टेड भाई साहब की कहानी पर थोड़ा अपन चर्चा करते हैं। देखो ओरस्टेड भाई साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जो क्या कर रहे थे, मतलब वो करंट पर रिसर्च कर रहे थे अपनी लेबोरेटरी में, नोड, क्योंकि भाई जो कोई भी अगर कोई प्रैक्टिकल करेगा तो कहाँ करेगा, अपनी लैब में करेगा। तो ओरस्टेड भाई साहब भी अपनी लैब में एक काम कर रहे थे। कहानी में क्या होता है कि भाई जब काम कर रहे थे तो उनके हाथ में क्या होता है, एक बल्ब होता है और वो उससे एक बैटरी से ग्लो कर रहे होते, समझना, एक हाथ में उनके एक बल्ब होता है और वो उसे एक बैटरी से ग्लो कर रहे होते। ये मान लो बल्ब है और ये वायर से कनेक्ट कर रखा है और ये बैटरी है, ठीक है, और ये बल्ब है जिससे वो क्या कर रहे थे, ग्लो कर रहे थे। और यहाँ उन्होंने क्या लगा रखा था, एक स्विच लगा रखा था। क्या लगा रखा था? स्विच लगा रखा था, ठीक है। अब भाई साहब क्या हुआ कि उन्होंने जब इसका काम करा तो उन्होंने बैटरी जोड़ते ही देखा कि भाई इसमें करंट फ्लो होने लग गई जैसे स्विच ऑन किया और बल्ब चालू हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया यार, उनका प्रैक्टिकल समझ में आ रहा। पर उन्होंने क्या करा, ये जो वायर है ना, ये जो वायर दिख रहा है, इस वायर को बोलते हैं कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर, ठीक है। और कंडक्टर वायर मतलब चालक तार, अगर तुम बोलो हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं चालक तार। और ये चालक तार के थ्रू ही जोड़ा, तभी तो क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। इसमें धीरे धीरे करंट फ्लो हो रहा था और उनका बल्ब चल रहा था। फिर हुआ क्या सर, आगे बताओ ना। अब क्या हुआ कि वहाँ पर जैसे उनका क्या हुआ, हाथ से तार नीचे गिरा, समझना, हाथ से तार नीचे गिरा। तो उन्होंने क्या देखा, जैसे हाथ से तार नीचे गिरता है, पास में एक टेबल पर ऊपर कंपास रखा होता है। कंपास याद करना, कंपास कभी भी अगर तुमने देखा हो, कंपास इस तरीके का एक बॉक्स होता है जिसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है। कौन सी निडल होती है? ये रेड कलर का होता है जिसे एन रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ, और ये एक साउथ रिप्रेजेंट करता है जो ब्लैक कलर का होता है, ध्यान रखना। तो ये जो रेड कलर वाला होता है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है और ये साउथ की तरफ इंडिकेट करता है। और ये कौन सा कंपास होता है? मैग्नेटिक कंपास होता है। क्या कंपास होता है? मैग्नेटिक कंपास। और ये जो मैग्नेटिक कंपास होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में क्या शो करता है? डिफ्लेक्शन शो करता है, विक्षेप रिप्रेजेंट करता है। जिधर जिधर तुम मैग्नेट लेके आओगे, जिधर मैग्नेट का नॉर्थ सिरा होगा, इसका साउथ सिरा आ जाएगा उधर, क्लियर है। अब देखो तो अगर ये जैसे तार नीचे गिरा, ओरस्टेड भाई साहब से जैसे ही तार नीचे गिरा, उधर मैग्नेटिक कंपास रखा था टेबल पर, और मैग्नेटिक कंपास में क्या प्रोड्यूस हो गया? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो गया। मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो गया, तो भाई साहब अब उन्होंने उस टाइम ध्यान दिया नहीं, बोला ऐसे ही हिला होगा, थोड़ा वाइब्रेशन हुआ होगा। अब क्या करा उन्होंने, इस स्विच को ऑफ करा, और जैसे ही स्विच को ऑफ करा उन्होंने देखा वापस कंपास रिफ्लेक्ट हुआ। अब उनका दिमाग खटका कि ओह, मतलब कोई ना कोई उस कंपास में प्रॉब्लम है, जो किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, इस की वजह से क्रिएट हो रही है, इस सर्किट की वजह से उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो उन्होंने वापस क्या करा, वापस इसको ऑन करा, अगेन इसको क्या करा, ऑन करा। और जैसे ही भाई साहब ने इसको ऑन करा, वापस कंपास में डिफ्लेक्शन। तो उनका दिमाग एकदम से शन रह गया कि बोला मैं काम किसका कर रहा हूं, करंट का काम किसका कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक का, रिएक्शन कौन दे रहा है, मैग्नेटिक, क्योंकि कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। कंपास क्या है? एक मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट है। और
काम किसका कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक का। डिफ्लेक्शन विक्षेप किसके अंदर हो रहा है? कंपास में। बोला इसका मतलब कोई ना कोई तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है जो इलेक्ट्रिक को, इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड के साथ जोड़ता। अब उन्होंने पूरा एक प्रैक्टिकल करा। उन्होंने बोला भाई साहब इसका मतलब अपने को कुछ ना कुछ तो आगे करना पड़ेगा। तो उन्होंने पूरा एक प्रैक्टिकल, ये तो उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ घटना, अब उन्होंने क्या प्रैक्टिकल करा उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। और कंपास को ये रहने देते हैं। उन्होंने क्या करा, एक वायर लिया, ये एक वायर लिया पहले, और उन्होंने इसमें करंट फ्लो करी और स्विच की लगा देते हैं, या स्विच लगा दो बात ही के इधर से करंट आ जाएगी, और ए और बी वायर और इसमें इधर से करंट फ्लो कर रही, ठीक है। थोड़ा इस पर ध्यान रखना कि भाई अपन जब भी डायरेक्शन की बात करते हैं तो इस तरीके से डायरेक्शन लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। इसने क्या करा, इसको रोटेट करा। तो इस चीज़ को अपन ये बोल सकते हैं नॉर्थ साउथ और वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो ये जो करंट है ये किधर से किधर फ्लो हो रही है, साउथ से नॉर्थ की। और उन्होंने इस वायर के नीचे, पूरा प्रैक्टिकल समझना, उन्होंने करा क्या, इस वायर के नीचे उन्होंने एक कंपास की निडल रख दी, है ना, कंपास रख दिया। तो मैं कंपास को कंपास की निडल से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये कंपास रख दिया उन्होंने, ये इसका एन सिरा कंपास का, ये एस सिरा, क्लियर है। अब जैसे ही इन्होंने करंट फ्लो करी, तो ध्यान रखना किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करते हो तो उसको राइट हैंड रूल से उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं, कैसे, अब वो भी समझते हैं पहले। थोड़ा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और राइट हैंड रूल है सबसे इजी, राइट हैंड रूल, ठीक है। ये मान लो वायर है जिसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो तुम्हारा राइट हैंड इस तरीके से पकड़ो कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो जाए, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो जाए, और इसको ऐसे मोड़ लो। ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये जो ट्विस्टेड फिंगर्स है, ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, कब, जब अंगूठा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो अंगूठा ये वायर, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही, तो देखो, तो अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन में लूँ तो उंगलियां बाहर आती हुई नजर आ रही है, बाहर। अगर मैं ये कोई चीज़ है और एक तीर कमान से तीर को छोड़ू तो तीर का आगे का सिरा तुम्हें दिखाई देगा, मतलब बाहर आ रहा है मतलब आगे का सिरा, और अगर अंदर जा रहा है तो पीछे का सिरा। जब तीर का आगे का सिरा तुम्हें दिखता है मतलब क्या आता है, डॉट या क्रॉस, डॉट। मतलब आउटसाइड अगर बात करें तो डॉट, आउटसाइड की बात करें तो डॉट, और वहीं इनसाइड की बात करें तो क्रॉस, ध्यान रखना। क्योंकि तीर से याद रखना कि तीर कमान है, और तीर कमान में छोड़ू और तुम्हारे सामने आ रहा है तो तुम्हें डॉट दिखेगा, और मेरे अंदर जा रहा है मतलब बोर्ड के अंदर जा रहा है तो तुम्हें तीर का पीछे वाला सिरा क्रॉस दिखे, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से राइट हैंड से पकड़ लिया, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है, तो ऊपर जो उंगलियाँ हैं मेरी बाहर निकल रही है, आउटसाइड आ रही है, बोर्ड के बाहर की ओर आ रही है, बोर्ड के बाहर की ओर आ रही है मतलब डॉट, और इधर इस डायरेक्शन इस पर उंगलियाँ अंदर घुस रही है तो क्रॉस। तो यहाँ पर डॉट है और यहाँ पर क्रॉस है, और मेरे को बताया कि कोई भी मैग्नेट किसी भी मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कुछ इस तरीके से बनती है, शायद तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा N और S। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मैग्नेट के बाहर N से S की ओर निकलती है, और मैग्नेट के अंदर S से N की ओर जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब निकल रही है मतलब इधर क्या बनाएगी, नॉर्थ एंड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब एंटर हो रही है तो इधर क्या बनाएगी, साउथ एंड। तो जहाँ डॉट होता है वहाँ हमेशा नॉर्थ एंड बनता है, और जहाँ क्रॉस होता है वहाँ हमेशा साउथ एंड बनता है। ये रटने हैं, ऐसा होता है, चाहे प्रैक्टिकल करके देख लेना, तो सब प्रैक्टिकली प्रूफ है, टोटल चीज़ें जो भी कर रहे हैं वो सब प्रैक्टिकली प्रूफ है। हाँ, अब देखो, तो जब ये वायर का यहाँ पर लेते हैं तो वायर में अपन ने करंट फ्लो करी इधर, तो ऊपर आया डॉट और नीचे आया क्रॉस। डॉट मतलब नॉर्थ और क्रॉस मतलब साउथ। साउथ है इधर, साउथ है तो नॉर्थ वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो ये वाला इस तरीके से
ट्विस्ट कर गया। तो इसका मतलब जो इसका कंपास का नॉर्थ एंड है वो किसकी तरफ ट्विस्ट कर रहा, वेस्ट की तरफ। अरे ऊपर वैसे डायरेक्शन वेस्ट है ना, अगर मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, तो कंपास का जो नॉर्थ एंड है वो वेस्ट की डायरेक्शन पर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं द टर्मिनल ऑफ द नॉर्थ टर्मिनल ऑफ कंपास, नॉर्थ टर्मिनल ऑफ कंपास डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स इन टूवर्ड्स इन वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है भाई, एक चीज़ तो समझ में आई। अगला उन्होंने क्या करा, इसी चीज़ को करा, बस करंट की डायरेक्शन क्या कर दी बेटा, उल्टी कर दी। इसी चीज़ को करा, देखो बैटरी उल्टी कर दो, अब करंट इधर से फ्लो हो रही। तो इसको एक बार मैं डायरेक्शन को मूव बना दूं, तो डायरेक्शन यहाँ से देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो नॉर्थ साउथ नीचे ईस्ट और ऊपर वेस्ट, ये डायरेक्शन बन गया। मतलब जो अपनी अब डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो कर रही है, करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो कर रही है। वही कंपास की निडल रखिए बेटा, ये नॉर्थ एंड है इसके, साउथ एंड। अब देखो अब करंट इधर है, करंट इधर है, राइट एंड अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, तो अब ऊपर उंगली अंदर जा रही है, अंदर जा रही है मतलब ऊपर क्रॉस, और यहां से उंगलियां बाहर निकल रही है मतलब यहां डॉट। तो यहां क्या बन आ जाएगा, नॉर्थ, और यहां क्या बन जाएगा, साउथ। अब ये नॉर्थ नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो ये नॉर्थ रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये इधर घूमेगा। तो अब जो नॉर्थ है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, ईस्ट की ओर मूव कर रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, नॉर्थ टर्मिनल ऑफ कंपास निडल डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स इन ईस्ट डायरेक्शन, जो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर गया। कब, जब करंट किधर से किधर फ्लो कर रही थी, नॉर्थ से साउथ की। तो यहां पर पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, देखो दोनों सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। When current is flowing in a conductor from south to north, then north terminal of the compass needle is deflected towards in west direction, and when the current is flowing from north to south direction, then the north terminal of the compass needle is deflected towards in east direction. इसका मतलब कि जैसे जैसे किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगी, कंपास की निडल डिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तभी ये कंपास की निडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि कंपास की निडल मैग्नेटिक फील्ड पर वर्क करती है। और जब एक मैग्नेट के पास मैग्नेट रहेगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट होगा, तभी तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। भाई एक बार बताओ, एक मैग्नेट के पास जब तुम मैग्नेटिक मटेरियल लाते हो, क्या तभी वो फोर्स लगाएगी? एक मैग्नेट के पास तुम प्लास्टिक ले आओ, क्या फोर्स लगाएगी? कभी कभी नहीं। एक चार्ज के पास तुम प्लास्टिक ले आओ, कभी फोर्स लगाएगा? नहीं लगा। लेकिन अगर एक चार्ज के पास दूसरा चार्ज आए, तभी तुम्हें पता चलेगा कि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है कि रिपल्सन फोर्स लग रहा है। वैसे ही एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल ही लाओगे, तभी तुम्हें पता चलेगा कि कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां पर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करते हैं, तो उस कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और दैट फिनोमिना इज नॉन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और ये अपना चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। तो ये जो ओरेस्टेड की कहानी है ना, इसी से अपना चैप्टर है। इस फिर आगे धीरे धीरे अपन बायो सावर्ट पढ़ेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। पर जो मेन चीज़ है जिसने खोज करी, वो ओरेस्टेड भाई साहब थे। बोलो ये कहानी पूरी समझ में आई कि नहीं आई?
कि जब भी किसी कंडक्टर वायर में करंट फ्लो करते हैं, जब भी किसी कंडक्टर वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उस कंडक्टर वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और दैट फिनोमिना इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, धारा के चुंबकीय प्रभाव हिंदी में बोले। तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, तो चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और यह प्रभाव धारा के चुंबकीय प्रभाव कहलाते हैं। बोलो ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो यहां से अपने चैप्टर की स्टार्टिंग होती, बाकी अपन डिस्कस कल करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।